इधर रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की मोर्चाबंदी काफी तेज हो गई है। कल नाटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की बैठक के बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर हैं। बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसके रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो जवाबी कार्रवाई उस पर की जाएगी, और यहां पर जवाब उसे यूक्रेन नहीं देगा बल्कि नाटो और अमेरिका देंगे। ऐसे में रूस सचेत रहे, सावधान रहे। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अब अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है। ब्रसेल्स में नाटो की आपात बैठक में शामिल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब पोलैंड के दौरे पर हैं। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का पोलैंड दौरा सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले एक दिन में नाटो, G7 और यूरोपीय यूनियन की बैठकों से साफ है कि रूस के खिलाफ घेराबंदी अब कई मोर्चे पर होगी। ब्रसेल्स से रवाना होने के पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। बैठक में रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तय हुआ कि यूक्रेन को एंटी टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सप्लाई की जाएगी। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। बाल्टिक समंदर से ब्लैक सागर तक नाटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात किए जाएंगे। रूस की सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ेगी और आसमान में जेट की संख्या बढ़ेगी। यूरोप में 1,00,000 अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात। बैठक में चीन को चेतावनी दी गई कि वो रूस की मदद करने से बाज आए। पुतिन की मदद कर रहे बेलारूस को भी इसके नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। कुल मिलाकर रूस को एक साथ 3 मोर्चों पर घेरने की तैयारी की गई। नाटो की बैठक में यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर सहमति बनी तो यूरोपीय यूनियन के देशों ने रूस को रोकने की रणनीति पर चर्चा की। G7 की बैठक पर रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के उपायों पर फैसला हुआ। कुल मिलाकर नाटो, यूरोपीय यूनियन और G7 की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का पोलैंड दौरा रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। 3 तरफा घेराबंदी को लेकर रूस क्या रुख अपनाता है, इस पर दुनिया भर की नजर है। के दौरान इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ब्रसेल्स आना, फिर यहां पोलैंड आना और एक के बाद एक ब्रसेल्स में 3 महत्वपूर्ण बैठक, G7 के राष्ट्राध्यक्षों से, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य समीकरण की महत्वपूर्ण बैठक, संकेत यही कि कुछ बहुत बड़ा होने के आसार है। प्रश्न अब यही उठता है, क्या अमेरिका यूक्रेन पर किसी तरह बातचीत के लिए जोर डालेगा या फिर यूक्रेन को और उकसाएगा, और इस ऐसे में क्या पलटवार करेगा रूस। युद्धकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाटो हेडक्वार्टर में आना, एक दिन में 3 आपातकाल मीटिंग में बैक टू बैक हिस्सा लेना, ये रूस के लिए बहुत बुरे संकेत है। आने वाले कुछ घंटों में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं।